हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सुजाता'स किचन। आज मैं लेकर आई हूँ आलू मटर की सब्जी की रेसिपी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने मिक्सर जार में दो टमाटर काट के डाल दिए हैं और मैं यहाँ पर डाली हूँ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। इन्हें हम आप पीस लेंगे और यहाँ पे गैस में रख दी है कढ़ाई। कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है और मैं यहाँ पे डाल रही हूँ काली मिर्च, लौंग और जीरा। इसे हमने चटकने तक भून लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे तेज़पत्ता। अब ऐड कर दिए हैं प्याज। प्याज को अच्छे से भून लेंगे। मैंने यहाँ पे दो बड़े साइज़ के प्याज लिए थे। अगर आप ऑयल ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप यहाँ पे ऑयल ज़्यादा डाल सकते हैं। प्याज हमारा भुन चुका है। अब हम इसमें जो हमने टमाटर का पेस्ट तैयार किया है उससे ऐड करते हैं। इसे भी अच्छे से एक मिनट चला लेंगे। टमाटर को भी हमने अच्छे से भून लिया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। मैं यहाँ पे ले रही हूँ हल्दी, धनिया, नमक। सभी मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। मसालों को भून लेंगे। मसालों को 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लेते हैं। मसाले हमारे भून चुके हैं तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ रेड चिल्ली पाउडर। ये ऑप्शनल है, इसे भी हम मिक्स कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे ऐड करेंगे जो जार पे अभी हमने पेस्ट तैयार किया था टमाटर का, उसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसे इस मिक्सचर में ऐड कर लेंगे। अब हमें मसालों को पका लेना है तो हम इसे 2 से 3 मिनट मसालों को पका लेंगे। मसाले हमारे पककर तैयार हो चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे मटर। मटर को मिक्स कर लेते हैं पहले। दो मिनट इसमें इसको पका लेंगे मटर को। उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें बॉईल आलू। मैंने यहाँ पे आलू बॉईल करके रखे हुए हैं तो हम इसे ऐसे टुकड़े करके डाल लेंगे। बहुत छोटे टुकड़े नहीं करने हैं, इस तरीके से हाथ से कर लेंगे। जो ये मटर और टमाटर आलू की ग्रेवी बनेगी ना तो वो इस बॉईल आलू से थोड़ा अच्छी हो जाएगी। मिक्स कर लेते हैं आलू को भी। आप चाहें तो इस तरह के भी इसे 2 से 3 मिनट पका के इसी तरह के भी इसे बनाकर खा सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा ग्रेवी वाली चाहिए तो इस पे हम ऐड करेंगे पानी। ऐड करेंगे पानी, हमें इतना ही ऐड करना है जिससे हमारे आलू जो हैं थोड़ा डूब हो जाएं। सब्जी हमारी ऑलमोस्ट पकी हुई है तो हम इसे 5 मिनट से छोड़ देते हैं पकने के लिए। हमारी सब्जी बन चुकी है
अगर आपको कलर कम लग रहा हो तो आप रेड चिली पाउडर ऑर्डर ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एंड पे डाल रही हूँ गरम मसाला डाल के हम इसे भी एक मिनट पका लेंगे। जब भी सब्ज़ी बनाएं गरम मसाला लास्ट में ही ऐड करें तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है गरम मसाले का। तो हमारी सब्ज़ी बन चुकी है, हमने गैस कर दी बंद। और यहाँ पे हम गार्निश के लिए डाल रहे हैं हरा धनिया। आप इसे रोटी, पराठा, पूड़ी, राइस, जो आपको पसंद है उसके साथ आप खा सकते हैं। और बनाइए, खाइए और कमेंट करके बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं न्यू वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।